हेलो गाइस, मैं शिव प्रकाश और आप देख रहे हैं डेली खेतीवाड़ी। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, काफ़ी तेज़ बारिश हो चुकी है और हमारे खेतों में काफ़ी पानी भर गया है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोभी की नर्सरी के बारे में। हाँ दोस्तों, वही हम आपको ले चल रहे हैं। गोभी की नर्सरी तैयार करने का तरीका भी आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो आइए हम आपको ले चलते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंचने वाले हैं गोभी की नर्सरी के पास। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हम आ चुके हैं गोभी की नर्सरी के पास और ये देख रहे हैं हमारी गोभी की नर्सरी यहाँ तैयार हो रही है। दोस्तों, आप मेरे हाथ में जो पैकेट देख रहे हैं वो है वाइट स्प्लेंडर और ये कॉलीफ्लावर सीड्स है और ये राशि कंपनी का है। इसका रेट मार्केट में 280 रुपये है, वैसे इस पे MRP 336 रुपये लिखा हुआ है। और ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है, बहुत जल्दी पैदावार देने वाली वैरायटी है। दोस्त, ये आपकी नर्सरी तैयार होने के बाद जो है, जब हम इसको खेत में इसका रोपण कर देंगे, इसके बाद ये 60 से 65 दिन में आपको पैदावार देना शुरू कर देगी। और आप देख रहे हैं, अब हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से हम इसका जो है नर्सरी तैयार करते हैं। जो हमारी जो मिट्टी है, जिन क्यारियों में हमने ये सीड्स बोया है, वो उसको होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उसमें धूप लगना चाहिए और पानी जो है हमको स्प्रे करके ही लगाना है। ये मिट्टी में जो डेलियां हैं वो ऐसे ही बनी रहे खुश्क। और इस तरीके से नर्सरी तैयार करने में हमारा जर्मिनेशन रिजल्ट है वो 100% आता है और बहुत ही जल्दी नर्सरी तैयार हो जाती है। जो जगह है उसमें टीप नहीं लगना चाहिए दोस्त, और इस तरीके से बहुत ही जल्दी ये नर्सरी ग्रो कर लेती है और 20 दिन में हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है। 20 दिन के बाद हम इसको खेत में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वैसे हम इसके ऊपर मोमजामा लगा करके और अस्थायी तरीके से इसके ऊपर छाया करके और नर्सरी तैयार करते हैं, ताकि बारिश का पानी इस पर सीधा ना लगे। उसकी वजह से इस जगह में जो हमारी क्यारियाँ हैं उनमें टीप लग जाती है और उसकी वजह से गलन सड़न बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम मोमजामा से काम चला लेते हैं। वैसे अगर आपके पास पॉली हाउस की व्यवस्था हो तो आप उसमें इसको तैयार कर सकते हैं। चूँकि हमारे पास पॉली हाउस की व्यवस्था नहीं है, तो हम तो मोमजामा को टेम्परेरी तरीके से यूज़ में ले लेते हैं और इस तरीके से नर्सरी तैयार करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ ही हमारे डेली खेतीवाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। और आप देखते रहिए डेली खेतीवाड़ी। हम मिलते हैं ऐसे ही एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।